आज हम आपको गूगल के ऑटो ड्रॉ का वर्क्स बताने जा रहे हैं। अगर कोई को ड्राइंग नहीं आती है तो वो किस तरह से अपनी ड्राइंग को गूगल की हेल्प से बना सकता है, चलिए सीखते हैं। ऑटो ड्रॉ इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन मशीन लर्निंग एंड द आर्टिस्ट कम्युनिटी। आर्टिस्ट कम्युनिटी और मशीन लर्निंग के बीच की कोलैबोरेशन। You can download the drawings created by different designer and artist here. वहाँ पे बनी बनाए बहुत से डिज़ाइन मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो ड्रॉ फास्ट ड्रॉइंग फॉर एवरी वन, और इससे आपकी ड्रॉइंग जो होती है बहुत फास्ट होती है, और जो टेढ़ी मेढ़ी आप ड्रॉइंग करते हैं आपसे बनता नहीं तो आप छोड़ देते हैं, वो यहाँ पर आप अच्छे से कर पाएंगे। ऑटो ड्रॉ पेयर्स मशीन लर्निंग विद ड्रॉइंग्स फ्रॉम टैलेंटेड आर्टिस्ट टू हेल्प यू टू ड्रॉ द स्टफ फास्ट। अब ये इन्होंने अपने टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है जो मशीन लर्निंग के थ्रू कर रखा है, मेड इन ऑटो ड्रॉ, तो उससे आप अपने कोई भी पिक्चर को ऑटो ड्रॉ कर सकते हैं। शेयर अ इमेज स्टार्ट ड्रॉइंग, आप इस इमेज को शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट ओवर डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर व्हाट यू आर वर्किंग ऑन FB, ट्विटर एंड गूगल, और उसको शेयर कर सकते हैं FB, ट्विटर और गूगल पे। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। चलते हैं गूगल पे, यहाँ पे autodraw.com आप लिखिएगा तो आपका ऑटो ड्रॉ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक नया स्टार्ट ओवर करिए, यहाँ पर आप ऑटो ड्रॉ ले लीजिए। अब मान लीजिए आपको फिश बनानी है, तो आप अगर ऐसे करके करते हैं तो आपके पास देखिए डिफरेंट फिगर आ जाती है जिसको आपको लेना है। ये देखिए वेल मछली आ गई यहाँ पर, और प्रॉन आ गया, और डिफरेंट चीज आ गई। अब इसी को फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर नहीं आया है, हम चाहते हैं कि प्रॉपर कुछ आ जाए। तो इसके लिए हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए फिर से हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए आपकी फिश, कई फिश आ गई, आप कोई भी, मान लीजिए हम लोग वेल ही ले लेते हैं। अब हमको इसको छोटा करना है तो आप सेलेक्ट करिए, इसको क्लिक करिए और छोटा कर दीजिए। आप जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब क्योंकि फिश बनाई है तो पानी भी चाहिए होगा, तो अगर हम इसमें पानी बनाते हैं तो देखिए क्या आता है। ये आ गया, तो ये पानी में हो गई। अब मान लीजिए हमको कुछ और बनाना है, यहाँ पर ये फिगर आ रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा इसमें बहुत सा इसको फिल भी कर सकते हैं हम, जैसे अब ये फिश को फिल करना है तो फिल ले लिया, कलर है ही है, इसमें जाकर जब क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, लेकिन अभी हमको फिल नहीं करना है। अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं हम, आर्टिस्ट में चले जाते हैं। अब आर्टिस्ट में जाएंगे तो आर्टिस्ट का यहाँ पर आप अपनी दे भी सकते हैं ड्राइंग को, और वर्क भी कर सकते हैं। चला गया, इसको फिर से बनाते हैं हम लोग। ऑटो ड्रॉ .com। अब ये देखिए पीसी के लिए दे रहा है, स्केचबुक दे रहा है, कितना सब कुछ दे रहा है।
हमको ऑटो ड्रॉ ही चाहिए, तो यहाँ पर फिर से हम लोग सर्च करेंगे ऑटो draw.com। गलत हो गई स्पेलिंग, ऑटो draw.com। अब देखिए ये आपकी आ गई पुरानी वाली जो थी। अब हमने मान लीजिए यहाँ पर पीछे कुछ बनाया, ड्रॉ किया, तो ये देखिए हट आ रही है, ये नदी देखिए यहाँ पर ये आई है, जो ये ज्यादा अच्छी लग रही हो तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ड्राइंग आएगी, लेकिन हमें लगता है ये वाला ज्यादा सही है तो इसको डिलीट कर देते हैं और ड्रॉ करिए इसमें। अब मान लीजिए आपको पीछे कुछ बनाना है, पेड़ वेड़, प्रॉपर बना नहीं तो इसको कंट्रोल जेड कर दिया हमने, फिर से बनाते हैं। पेड़ बनाना है हमको, अब देखिए प्रॉपर पेड़ आ गया। तो हमने मान लीजिए ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसका कलर हमें चेंज करना है तो इसको ग्रीन कर सकते हैं हम लोग, और फिर से इसमें कलर भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें और कुछ बनाना है, यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाना है यहाँ पर। अब देखिए डिफरेंट घर आ गए, तो इसमें से हमको मान लीजिए ये वाला लेना है, तो जब ये लीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब इसका कलर चेंज करना है, हमने ब्राउन ले लिया, इसको कलर चेंज कर देंगे फिर से, तो कलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ड्राइंग इसमें बना सकते हैं, इसमें हम लिख भी सकते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है रन लिखना है, शेयर लिखना है, सब्सक्राइब, आपको ये लिखना। तो ये आप अपना इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। अब इसका फॉन्ट का कलर आपको चेंज करना है तो आप इसके फॉन्ट को कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हमने कलर लिया रेड, तो ये रेड हो जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर लिया ब्लैक, और फिर सब्सक्राइब लिया, इसका कलर लिया मान लीजिए हमने कलर ले लिया मो। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए पीछे हमको कलर भरना है और ब्लू कलर भरना, ब्लू तो ऑलरेडी है तो फिर दिक्कत करेगा, तो कुछ लाइट कलर ले लें। अब लाइट कलर में कौन सा कलर, ये वाला ले सकते हैं। और हमने जब ये किया तो देखिए पूरे में ब्लू कलर हो गया। अभी बीच में अगर आप कुछ लाइन खींच देते हैं, ये आपका जो ये ड्राइंग है ये आपकी खुद की ड्राइंग हो जाएगी। अभी ये ठीक नहीं आया तो इसको फिर से लीजिए, इसका कलर चेंज करिए, कलर में ब्लू कर दीजिए या ब्लैक कर दीजिए या ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को नीचे का पोर्शन ग्रीन चाहिए। ठीक है, और फिल करते हैं, ये पूरा फिल हो रहेगा। तो इसमें सर्च करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। अब आप कोई शेप बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने राउंड लिया और इसका कलर हमने रेड कर दिया, रेड कर दिया तो यहाँ पर सूरज बन जाएगा। इसको फिल कर देते हैं, फिल कर दिया। इस तरह से
हम पूरी सीनरी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्हीकल बनाना, आपको इसको क्लिक किया और हमने ऐसे ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको ये देखिए आने लगी व्हीकल्स। अब आपको जो यूज़ करनी है वो व्हीकल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये देखिए चप्पल आ गई, अगर आपको इसके सामने चप्पल लगानी है, स्लीपर लगानी है, तो इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको छोटा कर दीजिए, ये दिखाया, इसको कलर आप ब्लैक कर दीजिए चाहे तो। ये देखिए अब इसको फिल करना है, इसको फिल कर दिया, ब्लैक ही सही लग रहा है। तो इस तरह से हम ड्राइंग को बिना जाने अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसमें जूम करना है तो जूम हो जाएगा, इसको अगर कुछ ठीक करना है, ये देखिए जूम हो गया, और बैक कर दिया तो वापस चला जाएगा। ये आपका है, डिलीट करना है तो कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं आप। तो इसमें इतनी फैसिलिटी है, सेलेक्ट है, फिर ड्रॉ, ऑटो ड्रॉ है, फिर ड्रॉ है। अगर सिंपल आपको कुछ ड्रॉ करना है तो अब ये वाला जैसे हमको फिर से ब्लैक करना है, इसको सेलेक्ट, जूम हटाना पड़ेगा, इसको हटाया, इसको सेलेक्ट किया और ब्लैक कलर किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ जा कर के ब्लैक कर दिया, ठीक है। जूम है ना, इसलिए वो नहीं हो रहा है। तो जूम को हमको माइनस देके ये आया, 100% कर दिया, तो ये छोटा हो गया। अब फिर जाइए, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें कलर करेंगे, रेड मान लीजिए ले लिया, तो ये आ जाएगा। अब इस फाइल को आप जो बनी हुई है यहाँ पर जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड किया तो क्या करेगा, जो फाइल का PNG फाइल बना ऑटो ड्रॉ बन जाएगा, सेव कर दिया, एक हम और बना चुके हैं इसमें। अब शेयर करिएगा तो प्रिपेयरिंग टू शेयर, अब इसको शेयर जब हम करेंगे तो कहाँ करेंगे, आप ट्विटर पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, कॉपी लिंक कर सकते हैं। तो कॉपी लिंक हो गया, अब लिंक क्या बना देखिए उसमें जा करके कि क्या लिंक बना है। तो यहाँ पे अगर हम करें कंट्रोल भी, तो ये देखिए आपका कॉपी लिंक बन गया, तो ये आपका वहाँ पर जी गूगल पे दिखा देगा, ठीक है। अब इसमें और शेयर करेंगे तो शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑटो ड्रॉ पे काम कर सकते हैं। अब आया इसमें देखिए, शेयर के बाद आपका आता है हाउ टू, कैसे हम काम करते हैं, यहाँ जाइएगा तो वो बताएगा। स्टार्ट डूडलिंग, ऑटो ड्रॉ सजेशन टूल विल स्टार्ट गेसिंग, स्किप ट्यूटोरियल अगर करना है तो स्किप कर दीजिए यहाँ पर। उसके लिए मेरे ख्याल से साइन इन करना पड़ेगा, तब होगा वो। फिर आप इसमें जाइए, शॉर्टकट है, शॉर्टकट ही आपका बताया है किससे क्या करना है, इसको आप सेव कर सकते हैं कहीं अपने इसमें, जिससे कि आगे आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें काम कर पाइए। तो यहाँ पर होम में गए, न्यू स्लाइड करा और आप शॉर्टकट यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, आगे के लिए आपको काम आ जाएगा। और क्या है इसमें, इसमें और देख लेते हैं क्या है ऑटो ड्रॉ में। और इसमें देखिए जाके आर्टिस्ट पे जाएंगे, ये देखिए आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी जिसको आप अपने में डाल सकते हैं। कोई चीज़ आपसे नहीं बन रही है तो आप उसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए ये स्नेल ले लिया हमने, और एक और आया था इसमें, ये चूजा ले लिया, यहाँ से कॉपी इमेज की, वापस गए और ऑटो ड्रॉ किया, यहाँ पर आकर राइट क्लिक किया और
कॉपी इमेज इंस्पेक्टर वहाँ पर आर्टिस्ट का इमेज को सेव कर सकते हैं। कॉपी इमेज ऑटो ड्रॉ, इसमें हाउ टू यूज भी दिया हुआ है, आप लोग उसको देख करके उसको सीखिए कि कैसे क्या चीज लाई जाएगी और उसको करिए। हमने आपको हिंट दे दी, अब आप इसमें ये मेढक ला सकते हैं, हम लोग मेढक यहाँ पे बना, इसको हरा कर दीजिए। लेकिन नहीं हो रहा है, बहरहाल इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हैंग हो गया कहीं पर, ग्रीन कलर नहीं ले रहा था, अब लिया उसने, तो इस तरह से ये हो गया। और क्या बचा इसमें, अबाउट, अब इसके बारे में। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू किया गया है और ये बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटी है गूगल की, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रन शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर को। थैंक यू व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल टुडे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।